गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आई एम सो सॉरी, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह रेनोवेशन चल रही है, पत्थर कटने की आवाज आ रही होगी। अब आई एम हेल्पलेस राइट नाउ, बट एनीवे बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं बहुत जल्दी, बट तब तक के लिए टाइम दीजिए। एनीवे आज का जो वीडियो है मॉनसून स्किन केयर रूटीन, आप लोगों में से बहुत लोगों का की रिक्वेस्ट आई, और कल तो पता नहीं क्या हो गया, जैसे इतने कमेंट्स, इतने कल पता नहीं क्या था, एवरीबॉडी वाज लाइक मॉनसून स्किन केयर रूटीन बताइए। तो आज मैं आपके साथ बहुत बहुत इजी मॉनसून स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तेल बहुत ज़्यादा, मतलब ऑयली स्किन होती रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन डल लगने लग जाती है। तो कुछ ऐसा करें जिससे हमारा पसीना है वो भी कंट्रोल हो, दाने भी ना आए, और स्किन भी जो है हमारी ग्लो करे, और साथ में सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा डेमो में दे रही हूँ, स्किन केयर रूटीन बहुत ईजी है, आई थिंक यू शुड रियली फॉलो। आप पूछेंगे टीनेजर्स के लिए है या बड़ों के लिए, छोटों के लिए, या सबके लिए, आपकी एज 10 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, या फिर आपकी एज जो भी है, आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, एंड मेल्स एंड फीमेल्स। तो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, मतलब एक दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं, देखिए स्किन हम सबकी है, ऑब्वियसली थोड़े स्किन केयर इश्यूज अलग अलग होते हैं, बट जो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, तो आप अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, या अपने फादर, ब्रदर, बीएफएफ को भी मेरे वीडियोस दिखाया कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए कीजिए। अगर वो कहना हमें चप्पल चप्पल नहीं सुननी, यू नो दैट गर्ल टॉक एंड ऑल, तो डेमो सिर्फ देख सकते हैं, और उनके साथ भी फॉलो कीजिए, उनको भी कहिए फॉलो करने के लिए। साथ में कुछ DIY प्रोडक्ट्स भी हैं, तो देर किस बात की, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस को क्लेंस करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके लिए मैंने ये अपना DIY उपटन सोप है, जो कि अमेजिंग है यार। नॉर्मली उपटन रोज़ लगाया नहीं जाता, स्किन पॉलिश का भी वीडियो मैंने शेयर करा है, बट ये एक साबुन की फॉर्म में मैंने उपटन सोप बना दिया है, मतलब उपटन का। तो जो ये एक तरह से फेस को क्लीन भी करेगा, और पैक का भी काम करेगा, स्क्रब का भी काम करेगा, तो एक्सफोलिएशन भी करेगा, माइल्ड एक्सफोलिएशन। इसका वीडियो अगर आप मुझे नीचे बहुत सारे कमेंट्स करते हो तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और एक मतलब एक्चुअली ये बहुत कन्वीनियंट है, अगर आप रोज़ उपटन या फेस पैक लगाना आपको लगता है अबे यार कौन करे, और सुखाओ, ये करो, बेसन घोलो, वो घोलो, और इसमें कम से कम 15-20 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को अंदर से ब्राइटन अप, निखार देंगी। और ये देखिए बिल्कुल पैक की तरह काम कर रहा है, थोड़ा सा माइल्ड एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग भी कर रहा है, हार्ड स्क्रबिंग नहीं है, सॉफ्ट स्क्रबिंग है। तो एक तरह से एक ये यूज़ करने के बाद आपका पूरा क्लेंजिंग का काम हो गया। और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी दोस्तों कि आप इसको नेक पे फुल बॉडी के लिए यूज़ करें, अगर आपकी गर्दन काली है, कोनियाँ काली लगती हैं, तो वो ज़रूर करें। इसके बाद फेस वॉश कर लिया, पीछे पत्थर कट रहा है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट स्टेप आता है, क्लेंजिंग हो गई जिसमें सब कुछ हो गया, सेकेंड आता है टोनिंग। अब ये मेरा रोज़ वाटर है, DIY रोज़ वाटर। अब मॉनसून के लिए मैं टिप देना चाहूँगी कि आप इस रोज़ वाटर को फ्रिज में रखिए, ठंडा जितना होगा उतना अच्छा है, बर्फ ना बनाएं, बर्फ जिन लोगों को सूट करती है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरह से आप टोनिंग कर लेंगे ठंडे, अगर ठंडे रोज़ वाटर से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। अगर आप इसको एस्ट्रिंजेंट बनाना चाहते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, तो आधा रोज़ वाटर और आधा खीरे का जूस, क्यूकम्बर जूस भी डाल सकते हैं। मैंने DIY अपने टोनर्स शेयर कर रखे हैं अलग अलग, वो भी यूज़ कर सकते, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो आपको ये जो बायोटिक का एक क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग आता है ना, वो आप घर पे ही इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, जिस तरह से मैंने ठंडा टोनर यूज़ करा है मॉनसून स्किन केयर के लिए, इससे पसीना कम आएगा। एंड नेक्स्ट है लिप्स का भी हमने ख्याल रखना है। ये मेरा DIY लिप स्क्रब है, सॉल्ट लिप स्क्रब, इसका भी वीडियो मैं जल्दी शेयर करूंगी, बट मुझे कमेंट्स बहुत सारे चाहिए। इसको आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, ये वाला जो स्क्रब है ना, इससे आपके लिप्स पाउटी भी लगेंगे थोड़े से, यू नो सूज नहीं जाएंगे बट थोड़े से पाउट आ जाएगा, ये आप खुद जब यूज़ करोगे आपको पता चलेगा। आधा एक मिनट इसको स्क्रब करने के बाद जेंटली आप इसको हटा दें, और लिप बाम लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसमें ऑयल बहुत है अच्छा। एनीवे नेक्स्ट, अगर आपकी स्किन ओवरली ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप सीरम लगाएं उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर, मेरी स्किन ड्राई अजीब सा ही बिहेव कर रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम लगा रही हूँ। ये मेरा 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, ये मैंने इसका DIY डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर ज़रूर देखिए। तो अगर आप चाह, अगर ड्राई स्किन, अगर ऑयली स्किन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हम सिरम ना यूज़ करें सिर्फ मॉइस्चराइज़र, तो आपके ऊपर है, या तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो या फिर सिरम यूज़ कर लो, ठीक है। बेसिकली इस सिरम में वीट जर्म ऑयल बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं कि आपकी स्किन जो है विद इन
जो है ग्लो करेगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी टाइम के साथ. एंड डेफिनेटली मैं थोड़ा सा स्लैप कर रही हूँ अपनी स्किन को, बिकॉज कोरियन स्किन केयर में वो अपनी स्किन को स्लैप करते हैं जिस तरह से, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्किन का, फेस का बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट मैंने ये DIY अपना वाटरमेलन जेल यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए. ये मॉनसून के हिसाब से ऐसे DIYs दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो बनाने इतने आसान है, खर्चा बिल्कुल भी नहीं होना. घर की चीज़ों से ही आप ये इंग्रेडिएंट्स बना दोगे, नेचुरल हैं, कोई केमिकल नहीं है, लेकिन आपकी स्किन जो है बहुत बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, पसीना कम आएगा आपकी स्किन से, जो कहते हैं ना ऑयल सिक्रीट कम होगा, बैलेंस रहेगी आपकी स्किन. और मॉनसून में लोग सोचते हैं अबे यार बारिश हो रही है, बादल दिख रहे हैं, धूप तो आ नहीं रही, तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है. जी नहीं, सनस्क्रीन 101% आपने लगाना है. शाम को 6-7 बजे से पहले, जब तक दिन नहीं ढल जाता, आपको सनस्क्रीन लगाना है. मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैटर वो नहीं करता. आप कोई भी सनस्क्रीन, अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड. ये आप डेफिनेटली, मैंने सनस्क्रीन JSuper Kaur स्पेस सनस्क्रीन आप टाइप कीजिए, आपको मेरे सनस्क्रीन के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे. इस तरह से दोस्तों अगर आप ठंडा रोज वाटर और मेरी ये कुछ 2-3 ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आप आजमाते हैं तो ये स्किन केयर रूटीन आप ज़रूर कीजिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी. बहुत ईजी है, पैसे सबसे बड़ी बात है, आपकी DIY क्वीन आपके पैसे जरूर बचा रही है. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे साथ में दोस्तों. दैट्स इट, आई लव यू ऑल, मिस यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल.